कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। माताओं देश के उत्तर भविष्य हमारे बच्चों बच्चियों मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जगन जी गोयल आए, उनका स्थान देन करेंगे। मेरे बच्चों, अपने पूर्वजों की याद में सदियों से ये परंपरा रही है कि कोई आदमी धर्मशाला बनाता है, कोई प्याऊ बनाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्थाएं करता है और समाज के हित में योगदान देकर के कोई न कोई एक ऐसी स्थायी चीज़ करता है ताकि वो समाज के लिए उपयोगी हो। लेकिन ये मैंने पहली बार एक ऐसी शुरुआत देखी है जो एक पीढ़ी को नहीं आने वाली कई पीढ़ियों को आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। प्रकाश अपने आप में ज्ञान है, वो अपने आप में एक प्रकाश है और ये जो प्रकाश की ज्योति जलाई है अपने पूर्वजों की याद में, ये पता नहीं कितनी बेटियों को सही राह दिखाएगी। आज एक पवित्र पर्व भी है महारामनवमी का। रामनवमी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो संदेश है वो यदि हम याद रखें तो हमारा जीवन वैसे भी सफल है। तैयारियां हो रही थी राज तिलक जी और सब कुछ छोड़ करके, सारी संपत्ति छोड़ करके जाना पड़ा वन में। हमारा ये दायित्व है कि हम यदि परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो भगवान राम की तरह हम उसे याद करना सीखें। परिवार में यदि शांति होगी तो ही पढ़ाई होगी और पढ़ाई होगी तो ही परिवार की, समाज की, देश की उन्नति होगी। मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेकर के इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आपका जो आज उत्खंड अधिकारी बना हूँ, मुझे कभी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये बातें मैं हालांकि बच्चों से बताऊंगा जब शाम में मिलूंगा। मैंने अपनी सारी पढ़ाई अपने घर पे बैठ कर की है, स्वयं पाठी छात्र के रूप में, प्राइवेट छात्र के रूप में, और 11वीं तक की जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल में की है। तो हमारे दिमाग में ज़्यादातर दो ही बातें पर्सन चिन्ह के रूप में मौजूद रहती हैं कि अच्छा स्कूल हो और कोचिंग की या ट्यूशन की व्यवस्था हो। मैंने न कोई अच्छी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है और न किसी भी कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई शिक्षा प्राप्त की है। मैंने अपनी जो भी पढ़ाई की है अपने घर बैठ करके की है और मेरा जो पहला पद स्थापन हुआ वो 1990 में हुआ था। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो 40 साल से ज़्यादा की भी नौकरी करेंगे। मैं 42 साल की नौकरी की हुआ, 18 साल का होते ही मैं सर्विस में आ गया था और साथ में भगवान की कृपा से आज मेरे परिवार में जितने भी हैं वो सारे पढ़े लिखे और पढ़ने के साथ साथ में सर्विस में भी आ गए। आप सबको पता है कि
साधु शहर मेरे लिए सौभाग्यशाली रहा। मेरा बेटा पहले IFS था और साधु शहर में आने के बाद में रिजल्ट आया और वो अब IPS है और उसके फाउंडेशन कोर्स खत्म होकर के 26 मार्च से हैदराबाद में उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब यदि परिवार को अपने को आगे बढ़ाना है तो हमारा दायित्व है कि परिवार में हम शांति रखें, हर प्रकार के कलह से, हर प्रकार के नशे से, हर प्रकार की बुराई से दूर रहें और बच्चे जो रास्ता है वो तैयार आपको ही करना है, चलना आपको ही है, मेहनत करने आपको ही है। एक एडवर्टाइज आता है उसका वाक्य मैं बच्चों को दोहराना चाहता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। जो लक्ष्य ये किशन परिवार लेकर के चला है, किशन की लेके चले हैं कि भाई हमारी बेटियाँ पढ़ें और आगे बढ़ें और सर्विस में और राजनीति में हर क्षेत्र में मुकाम हासिल करें। तो ये जो आज की रामनवमी की शुरुआत है वो आज नहीं होगी, एक दिन में नहीं होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि एक दिन ज़रूर होगी। सबसे पहले मैं कुसुम प्रसाद जी को बधाई देता हूँ कि उनके दिमाग में ऐसी चीज़ आई जो हम में जो बैठे हुए हैं बहुत कम के दिमाग में शायद आती होगी कि मैं बच्चियों के लिए वो भी पुस्तकालय बनाऊँ, वो भी सिर्फ बच्चियों के लिए। वो एक बहुत अच्छा विचार के दिमाग में आया और उस विचार को इन्होंने मूर्त रूप दिया, तो उसके लिए बधाई की पात्र हैं ये कि इन्होंने अपने माता पिता अपने दादाजी याद में पुस्तकालय प्रारंभ किया और वो भी सिर्फ बच्चियों के लिए और वो भी निःशुल्क। क्योंकि मैं सुनता हूँ साधु जी में कई पुस्तकालय होते हैं कैसा उसकी 3 रुपये फीस है, साहब जो कोई जाते होंगे उसकी 3 रुपये फीस है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल निःशुल्क उन्होंने किया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे SDM साहब ने कहा कि बालिका शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें भी अगर हमारी बच्ची खुद स्वयं जॉब करती है तो अपने या पढ़ी लिखी है या उस चीज़ को ग्रहण करती है, शिक्षा को ग्रहण करती है, तो अपनी पीढ़ी को, खुद की पीढ़ी सही आगे कई पीढ़ियों को वो संभाल सकती है, संभालती भी है। और जो यहाँ पे मैंने अभी इनसे जो हम अभी हमें विजिट कर रहे थे तो कुसुमदा ने कहा कि इसका हम और विकास करेंगे, इसको ई लर्निंग शायद भी बनाएंगे इसको, जिससे कि और भी जैसे कि भाटिया आश्रम से भी इसको जोड़ रहे हैं, शायद ये बता रहे हैं जैसे कि तो दो बच्चियाँ RS की तैयारी वहाँ जाके नहीं कर सकती या पारिवारिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति हो सकती है कि वहाँ तो उनको यहाँ सुविधाएँ मिलेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी का सभी बच्चियाँ अच्छा सदुपयोग करें, अच्छा लाभ उठाएं। और मैं ये कुंता जी कहना चाहता हूँ कि कैसी भी अगर सहायता की आवश्यकता है जो लगता है कि मैं कर सकता हूँ, SDM साहब कर सकते हैं या हमारे साथ जो वंशा सिंह ब्लॉक बैठे हुए हैं वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्को से बताएं, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा कार्य है इनका, बहुत पुनीत कार्य है और मैं ये कहता हूँ कि इनके जो माता पिता दादा ऊपर बैठे होंगे वो देख के बड़े खुश होंगे आज कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद जी। कुसुम लता ने ये अपने पूर्वजों की याद में जो साधु शहर में एक शिक्षा का केंद्र जो बच्चियों के लिए यहाँ आज खोला, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। वास्तव में आज के माहौल में जो पढ़ाई आम आदमी को उपलब्ध नहीं होती, महंगी से महंगी पढ़ाई करनी पड़ती है और निःशुल्क अगर कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को इन्होंने जो यहाँ दिया है बच्चियों को, वास्तव में ये बहुत अच्छा कार्य है। पहले जयपुर दिल्ली तक बच्चे जाते थे कंपटीशन की तैयारी के लिए, हमारे ज़िले में एक भाटिया आश्रम है सूत्रगढ़, वहाँ जाते थे, वहाँ से खूब बच्चे RS IAS RPS निकलते थे, RTS निकलते थे। लेकिन अब मैं उम्मीद करूँगा कि साधु शहर में आज जो इन्होंने शुरुआत की है, एक छोटा सा पौधा लगाया है, निश्चित रूप से वो एक वट वृक्ष की तरह आगे बढ़ेगा। और भाटिया आश्रम का जैसे नाम है, मैं उम्मीद करूँगा कुसुम लता इनके परिवार की ओर से जो ये शुरुआत की है वैसा नाम साधु शहर का होगा। तो मन में एक पीड़ा सी रहती है कि हम पिछड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से जैसा शहर के पूरे गणमान्य शिव राजनीति के धार्मिक के साथ हो गया, आज यहाँ पदार्थ ये साबित कर दिया है कि हम सब एक हैं। और रही बात किस्म की, किस्म तो सदैव अलग से चलने वाली बिटिया रही है, तो एक कविता के रूप आया था ना कि भरा नहीं भावों से बहती इसमें रिश्तेदार नहीं हर जगह पत्रक नहीं स्वदेश के प्रति प्यार, तो स्वदेश के प्रति प्यार इसके भावनाओं बहुत ज़्यादा रहा है। आज जो लाइब्रेरी शुरू की है उसके पीछे का कंसेप्ट बताइए। ये लाइब्रेरी चौधरी नरसाराम कीचड़ पुस्तकालय, मैंने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप शुरू की है और इसमें बच्चियों के जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी।
और इसके लिए नवरात्रों का दिन कुछ है? नवरात्रों का दिन आज रामनवमी है और इस दिन बच्चों को भोजन कराने की परंपरा है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि भोजन की जगह भोजन कमाने का जरिया दिया जाए, बच्चों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनको किताबें दी जाए, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो आर्थिक रूप से सक्षम बन के निकले। यहाँ किस प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी बच्चों को? यहाँ पे बच्चों को हर तरीके की किताबें जो उनको आवश्यकता महसूस होगी, जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की 15 सीट से इसको शुरू किया है जिसको मैं 30 तक लेके जाना चाहूँगी, और ऑनलाइन कोर्सेज भी अगर किसी बच्चे की मुझे जरूरत लगी कि वो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती पर वो टैलेंटेड है, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी बच्चियों को समय के साथ अवेलेबल करवाई जाएगी। इस प्रकार से बच्चों को अगर गाइडेंस की या किसी प्रकार की आगे कंपटीशन करेंगे तो किसी प्रकार की अगर से काउंसलिंग कर सकते पड़े तो उसके लिए क्या बताया? हाँ, उसके लिए भी मैंने यही सोचा है कि चाहे ऑनलाइन कोई मोटिवेशनल क्लास दिलवाई जाए अथवा समय समय पर जैसे शहर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं किसी भी तरीके से, मुझे समय समय पर मोटिवेशनल क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है।